साहित्य अकादमी ने 22 दिसंबर 2022 को कितनी भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की। 24 साहित्य अकादमी ने 22 दिसंबर 2022 को 24 भारतीय भाषाओं अंग्रेजी सहित में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की। उपन्यासकार अनुराधा रॉय, तमिल लेखक एम राजेंद्रन उन 23 साहित्यकारों में शामिल है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु, भारत की बैडमिंटन स्टार। पीवी सिंधु फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची के शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। वो सूची में 12वें स्थान पर शामिल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 24 दिसंबर 2022 को राइट टू रिपेयर पोर्टल कहां लॉन्च किया? नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 24 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल पर निर्माता उत्पाद विवरण के मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे ताकि वे या तो स्वयं या तीसरे पक्ष द्वारा मरम्मत कर सके। पीएम मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले वीवाल दिवस को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। स्टेडियम कहां स्थित है? दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में पहले वीवाल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। 25 दिसंबर 2022 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कमल दहल। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने अन्य दलों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।